إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा आज का टॉपिक है सलाह ट्रेनिंग वर्कशॉप, कम टू सक्सेस, आ जाओ कामयाबी की तरफ, और खूबसूरत नमाज कैसे, ये हमारा आज का मौजू है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक वर्कशॉप है, ये सिर्फ एक दर्स नहीं है, एक लेक्चर नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। इसके अंदर आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ निशानियां दिखने वाली है। मैं आपको ये निशानियों का इंट्रोडक्शन क्विकली दे देता हूं। जहां कहीं आपको ये वाला सिंबल, ये हाथ वाला सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब है लर्न दिस, मतलब जरूर याद करें। और जहां कहीं आपको ये ब्लू स्क्वायर के अंदर टिक लग रहा है या ग्रीन टिक दिख रहा है, वो चीज हम खास स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अब आप या तो स्टूडेंट हो, सिर्फ एक जनरल ऑडियंस हो, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इस चीज को एज अ स्टूडेंट भी करने की कोशिश करिए। जो iicou.com हमारी वेबसाइट है, iicou.com, उसके अंदर आप जाएं और जाकर के ऑनलाइन एग्जाम दें इंशाल्लाह। और आप ऑनलाइन एग्जाम देकर इसका आपको लाइव, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके एग्जाम्स ऑलरेडी अपलोडेड है, इसकी नोट्स वहां अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करके आप एग्जाम देकर इंशाल्लाह एज अ स्टूडेंट भी ये पढ़ सकते हैं। तो ये निशानी के ताल्लुक से एक इंट्रोडक्शन था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देगी। जहां कहीं ये पिन दिखाई देती है, शर्त यानी कंडीशन, ये जो चीज बताई जा रही है नमाज की कंडीशन है। मैं बताऊंगा आपको ओरली भी, लेकिन ये जस्ट निशानी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। शर्त क्या है? शर्त नमाज के एक्चुअली बाहर होती है। नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती अगर शर्त मौजूद ना हो। हाँ, अगर शर्त मौजूद ना हो तो नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती, मतलब वो कंडीशन पूरी करना जरूरी है। और इसके लिए सजदा सहू करके भी पूरी नहीं हो सकती अगर कंडीशन नहीं है। उसी तरह रुकन, जो रुकन है पिलर, वो नमाज के अंदर है, अगर गलती से भी छूट जाए तो रकात दुरुस्त नहीं हो सकती, रकात दुरुस्त नहीं हो सकती। और अगर गलती से भी अगर मिस हो जाए तो रकात दुरुस्त नहीं हो सकती, सजदा सहू करने से भी नहीं हो जाएगी। और जो चीज वाजिब है, थर्ड चीज वाजिब, उसके अंदर आप ये देखें कि नमाज के अंदर है ये, मतलब बाहर नहीं है, शर्त बाहर थी अंदर है, और गलती से छूट जाए तो सजदा सहू करके ये पूरी हो सकती है। और इसे, इस चीज के अंदर ये जो कमी है, हम पूरी कर सकते हैं सजदा सहू करके इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि किसी की कंप्लेन है कि उनको ऑडियो नहीं आ रहा है। अगर किसी को ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है, बराबर ऑडियो स्ट्रीम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को प्रॉब्लम है तो आप एक बार एग्जिट करके फिर से री एंटर करें, जज़ाकअल्लाह खैर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लाइव चल रहा है, ओके। हम शुरू करते हैं अपनी सलाह ट्रेनिंग। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये दो और निशानियां मिलेगी। एक है खुशू, क्योंकि मकसद क्या है, खुशू नमाज के अंदर हम कैसे डेवलप करें, उसके कहीं कहीं टिप्स होंगे। तो आपको बॉटम राइट पे खुशू की निशानी दिखेगी। जो पावर पॉइंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पावर पॉइंट आपको इंग्लिश, उर्दू, रोमन उर्दू तीनों जुबानों में आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको व्हाट्सएप के जरिए इंशाल्लाह मिलेगी, ये कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह सब रेडी है। आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं iicou.com। स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये पूरा जो मौजू है सलाह ट्रेनिंग, इसकी जो असल जान है ना, वो ये बात जानना और समझना, महसूस करना, फील करना है कि नमाज कितनी अहम है हमारी जिंदगी में, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनी अल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, और वो पांच में से एक है जो शहादतैन के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इकामे सलाह, नमाज कायम करना, मतलब सेकंड नंबर, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, आमाल में नंबर वन पर है वो है नमाज कायम करना। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुमा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन, सबसे पहली चीज वो है अस्सलाह, वो है नमाज, सबसे पहली चीज कयामत के दिन जो हिसाब होगा नमाज। फइन सलहत सलह लहु सायरु अमली, अगर नमाज अच्छी निकलेगी सारे आमाल अच्छे निकलेंगे। वइन फसदत फसद सायरु अमली, अगर नमाज खराब निकलेगी सारे आमाल खराब निकलेंगे। मतलब जहां पर ईमान की चेकिंग के बाद आमाल की बात आएगी, कयामत का दिन होगा,
सबसे पहला जो अमल चेक होगा वो है नमाज। अगर नमाज अच्छी निकलेगी सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। क्यों अच्छे निकलेंगे? क्योंकि अच्छे होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि नमाज का इतना बड़ा असर पड़ता है पूरी लाइफ पर, पूरी जिंदगी पर इतना बड़ा असर पड़ता है। ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि अगर नमाज अच्छी हो गई तो पूरी लाइफ पर असर आएगा, और अगर असर नहीं आ रहा है मतलब नमाज सचमुच अच्छी नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा, उनका कहना सच्चा है, उनका कहना है कि अगर नमाज अच्छी हो गई तो सारे अमाल अच्छे हो जाएंगे, नमाज खराब हो गई सारे अमाल खराब हो जाएंगे। मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी नमाज की, इस बात से हमें एहसास होना चाहिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये कुरान की आयत के अंदर जो बात दी गई है इसी का एक्सप्लेनेशन उस हदीस में। क्या आयत है पढ़ते हैं, सूरह अंकबूत सूरह 29 आयत नंबर 45। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाकिम सला, नमाज कायम करो, इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तुम्हें रोकेगी, नमाज तुम्हें रोकेगी बेहयाइयों से और मुनकरात से, बुरे कामों से, ऑब्सिनिटी से, बुराई से, बेहयाई से नमाज रोकेगी, और नमाज रोकेगी और मुनकर से, बुरे कामों से नमाज रोकेगी। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नमाज का के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, नमाज के अंदर ये स्ट्रेंथ है। नमाज क्या है? अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कु सला, एक शख्स में और शिर्क और कुफ्र के दरमियान में एक चीज है, वो है नमाज छोड़ देना। मतलब एक शख्स में और शिर्क और कुफ्र के बीच में क्या है? नमाज छोड़ देना। और एक मिनट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्चुअली हमारे दोनों रूम्स की कैपेसिटी फुल हो गई है। अगर इसके बाद भी अगर आपके पहचान में किसी को एंट्री नहीं मिल रही है, तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल जैद पटेल YouTube चैनल पे हम लोग ये लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं अभी, हाँ, जो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। तो जूम रूम्स की कैपेसिटी फुल हो गई है अल्लाह की मर्जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस्सलाह, एक शख्स में और शिर्क और कुफ्र के दरमियान में एक चीज है, वो है नमाज छोड़ देना। यानी हमारे और शिर्क और कुफ्र के दरमियान में एक चीज है, नमाज छोड़ देना। अगर हम नमाज छोड़ दें तो हम शिर्क और कुफ्र में पड़ सकते हैं, यानी इतना खतरनाक मामला। बहुत अफसोस की बात है, इंडिया में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पांच वक्त नमाज पढ़ता है तो बहुत नेक आदमी है जो पांच वक्त पढ़ रहा है, बाकी जुमा जुमा पढ़ना कंपलसरी। लोगों का ये मानना है कि जुमा जुमा नमाज पढ़े काफी है, कंपलसरी है, वो पांच वक्त पढ़े तो बहुत नेक इंसान है। लोग लिंक मांग रहे हैं, आप सिर्फ जैद पटेल यूट्यूब चैनल सर्च करें, उसमें आपको लाइव होते हैं, स्ट्रीम होते मिलेगा, जैद पटेल यूट्यूब चैनल। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो नमाज की अहमियत क्यों जरूरी है मेरे भाइयों मेरी बहनें? अगर हमारे दिल में नमाज की अहमियत हो जाए ना क्लियर, तो यही चीज काफी हो जाएगी, यही चीज काफी हो जाएगी। एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन और ड्राइव पैदा होगी कि वो अपनी नमाज को अच्छा बनाए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं ये नहीं सोचते मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ये नहीं सोचते कि मैं जैसे अल्लाह पसंद करता है मैं वैसे पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसी में उनकी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी में कभी ये तीन घंटे जो हम निकाल रहे हैं ना वो नहीं करते हैं। उसी तरह आप एक और मिसाल देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत के ताल्लुक से बताया, कहा, अरायतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबी अहदिकुम, अगर तुम में से किसी के दरवाजे के पास दरिया बह रही है, यगसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसन, जिसमें वो दिन में पांच बार गुसल लेता है, पांच बार नहाता है, मा तकुलू, क्या कहते हो तुम लोग, ज़ालिका युबकी मिन दरनी, क्या कुछ भी गंदगी मैल बाकी रहेगा, कालू ला युबका मिन दरनी। तो साहबन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी गंदगी मैल बाकी नहीं रहेगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला ज़ालिका मिस्लु सलातिल खमसा, ये मिसाल है पांच नमाजों की, और यमहुल्लाहु बिही खताया, इनके जरिए अल्लाह ताला खताओं को मिटा देता है।
अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाया, या अय्युहल लदीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र के जरिए सलाह के जरिए। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। हाँ, तो सब्र के जरिए क्या है, मदद है हमारे लिए, मदद सब्र के अंदर है। तो यहाँ मदद से मुराद क्या है ना, जिंदगी के मसाइल होते हैं ना, जिंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किलें होती हैं, उनका सामना करना होता है। अल्लाह की मदद हासिल करने का खुसूसी जरिया नमाज है। नमाज के जरिए अल्लाह ताला की हमें मदद मिलती है और हम सबको नमाज के ताल्लुक से उसके अंदर वो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को, इस ताकत को हमें समझना चाहिए, ये चीज को पहचानना चाहिए कि नमाज में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी चीज रखी है। और यकीनन नमाज के अंदर अल्लाह की याद है, अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, अल्लाह ताला की याद है नमाज में। और हम सबको अल्लाह ताला की याद से कनेक्ट करने वाली चीज है नमाज, हमें अल्लाह ताला से जुड़ने वाली चीज है नमाज। दिन में 5 बार हम नमाज अगर अपनी अच्छी कर लेना तो हम अल्लाह की याद से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये याद खुसूसी तौर पे नमाज में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए और उनके दिलों को अल्लाह की याद में इत्मीनान मिलता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह ही तत्मईन्नु कुलूब, यकीन अल्लाह की याद में दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो मेरे भाई मेरी बहने, जो नमाज अच्छी पढ़ी जाए ना, उसमें दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत इत्मीनान मिलता है, हम अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिलती है, यकीनन अल्लाह की याद में दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो हमें ये चीज को हासिल करना चाहिए जिंदगी में। आइए हम अभी सेकेंड सेक्शन में आते हैं, हम ये देखेंगे एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो अपनी नमाज में से ज्यादा सवाब कैसे हासिल करे। नमाज पढ़ रहे हैं, आपने वक्त निकाला, नमाज पढ़ रहे हैं, आप ना पढ़ने वालों में से नहीं है। अब वही नमाज में से कैसे ज्यादा सवाब मिल सकता है, मैं आपके सामने 6 पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, 6 अहम टिप्स। पहली चीज, फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ताला ने कहा कि उन नमाजियों के लिए अफसोस है, मतलब उनके लिए अफसोस है, बदबख्ती है उन लोगों के लिए। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज में गफलत बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं। तो नमाज के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि हमें वो सुस्तियां नहीं बरतना है, वो गफलतें नहीं बरतना है, जो हमें साहून में से नहीं होना चाहिए। आइए हम अपनी नमाज को बेहतर कैसे बनाएं, और ये टॉपिक को हम समझने के लिए मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ और एक चार्ट रखना चाहता हूँ। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे इस हदीस से। इन रजुला लयन शरीफ, बंदा नमाज पढ़ता है पलटता है, वमा कुतिबा लहू इल्ला उश्रु सलाती, उसके लिए नमाज का सिर्फ 1/10 लिखा जाता है। नमाज पढ़ी कितनी पूरी, लिखा कितना गया 1/10, तो सुहा 1/9 किसी के लिए, सुम्नुहा, सुबुहा, सुदसुहा, खुमसुहा, रुबुहा, सुलुसुहा, निस्फुहा, मतलब नमाज तो पूरी पढ़े लेकिन लिखा गया सवाब 1/10, 1/9, 8, 7। अब आप ये देख रहे हैं ग्रीन हिस्सा जो है, सवाब कितना मिला। मेरा टॉपिक ये है, अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने 6 पॉइंट्स रखना चाहता हूं कि आप अपना सवाब कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब नमाज तो पढ़ रहे हैं आप, मेहनत तो कर रहे हैं, कैसे आप अपने सवाब को इंक्रीज कर सकते हैं हम सब। आइए हम देखते हैं कुरान हदीस से ये पॉइंट्स। उसे देखने से पहले हसन बिन अतिया के का एक्सेलेंट स्टेटमेंट, हसन बिन अतिया ताबई है रहिमहुल्लाह, वो कहते हैं इन्ना रजुलैनी लयकुनानी फिस सला, दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सलातिल वाहिदा, एक ही नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब सेम नमाज, दो लोग, जोहर की नमाज हो रही है, असर की नमाज हो रही है, वा अन्ना मा बैनहुमा फिल फदली कमा बैन समाई वल अर्दी, लेकिन सवाब में दोनों में फर्क, आसमान और जमीन में जितना फर्क होता है ना, उतना फर्क सवाब में होता है। हमें क्या दिख रहा है बाहर से, ए और बी दोनों ने नमाज पढ़े, लेकिन उनका सवाब जो है आसमान और जमीन में जितना फर्क है ना, उतना बड़ा फर्क उनमें मिलता है, उनकी नमाज में होता है। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज 6 पॉइंट्स में, सबसे पहला पॉइंट वो है खुशू, नमाज में खुशू हासिल करना। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, कद अफलहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, जो नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू क्या है, हम्बलनेस, अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को अल्लाह के सामने हम्बल बनाना। तो नमाज में खुशू इख्तियार करना मतलब अपने जहन को भी अल्लाह के सामने झुकाना, जिस्म को तो हम झुकाते हैं नमाज में, अपने जहन को भी अल्लाह के सामने झुकाना, ये खुशू है। तो पहली चीज नमाज में खुशू। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आज के इंशाल्लाह इस पूरी सलाह वर्कशॉप में खुसूसी तौर पर मैं आपको कई सारे टिप्स देने वाला हूं नमाज में खुशू कैसे हासिल करें इंशाल्लाह। और याद रखिए,
जिस्म में से अगर रूह निकल जाती है ना, तो जिस्म भी ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहता है, जिस्म भी सड़ जाता है, क्योंकि रूह है तब तक वो जिस्म फ्रेश रहेगा, बाकी रहेगा। उसी तरह नमाज में से अगर खुशू चली जाए तो वो नमाज खतरे में आने लगती है, और हमें वो खुशू अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहिए ताकि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो नमाज में हमें सवाब मिले, हमें खुशू मिले, और हम इस ताल्लुक से खोने वालों में से ना बन जाएं, हम उसमें लॉस में ना पड़ जाएं। सब एक रिक्वेस्ट है सब भाइयों बहनों से, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आपको अपना वीडियो कैमरा ऑफ रखना है। अगर हमारे वॉलंटियर्स को दिखता है कि आपका वीडियो कैमरा ऑन है और बार बार अगर आप ऑन कर रहे हैं तो आपको इस मीटिंग से निकाला जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी वीडियो कैमरा ऑन रहे। जज़ाकल्लाह खैर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? खुशू। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन अव्वल शय युरफाउ मिन हाज़िही अल उम्मा अल खुशू। सबसे पहली चीज जो इस उम्मत में से उठा लिया जाएगा वो है खुशू। हत्ता ला तरा फीहा खाशियन, यहां तक कि तुम देखोगे कि कोई भी खुशू के साथ नमाज पढ़ता नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज जो इस उम्मत में से उठा ली जाएगी खुशू। तो हम क्या देखते हैं कि कयामत से पहले जो लोग होंगे वो नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनकी नमाज जाने से पहले क्या चीज जाएगी? खुशू जाएगी। तो खुशू हासिल करना बहुत जरूरी है ताकि दिल को वो इत्मीनान मिले, वो सुकून मिले, वो दौलत मिले, वो मदद मिले। वो खुशू हासिल करना बहुत जरूरी है नमाज में। और अगर किसी की नमाज में खुशू नहीं है तो वो नमाज को तो बाकी रखे, लेकिन खुशू हासिल करने की कोशिश करें। और जो स्टेप्स हम आज इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं, एक इंसान के लिए बहुत मुमकिन और बहुत आसान है अगर वो कोशिश करें कि वो खुशू अपनी नमाज में हासिल कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज, नमाज लोग पढ़ते हैं बहुत से लोग, लेकिन नमाज में सुन्नतें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा राय तुमोनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो बहुत सारे लोग उस तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे कि उनके खानदान वाले पढ़ते हैं, जैसे कि उनके एरिया वाले पढ़ते हैं, हाँ, और उस तरह नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि नमाज कैसे पढ़ना है? जिस तरह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जैसे तुम्हारे अब्बा पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ो, ये नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। और हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते नहीं देख सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन हम सहाबा इकराम से सुन सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी। तो मेरे भाई मेरी बहने, बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ये तीन घंटे जो हम निकाल रहे हैं ताकि नमाज को हम सीखें हदीसों की रोशनी में, ये तीन घंटे वो जिंदगी भर में नहीं निकाल पाते। जिंदगी भर नमाज पढ़ते हैं लेकिन स्टडी करना, इल्म हासिल करना, ये चीज नहीं हो पाती। इस वजह से मिस्टेक्स होती है, बाकी रहती है और चीज कंटिन्यू होती है। लोगों ने क्या किया है? लोगों ने सुन्नतों को आपस में बांट दिया है। क्या कहा? ये हमारे आलिम है, हम इनके मानने वाले हैं, हम फला आलिम के मानने वाले हैं, और हम ये हमारे आलिम है, ये फलां के आलिम है। तो पहले आलिमों को बांट देते हैं आपस में, पहले आलिमों को बांट देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? हदीसों को बांट देते हैं। ये शाफियों की हदीस है, ये हनफियों की हदीस है, ये हम्बलियों की हदीस है, ये कोकन वालों की हदीस है, ये अफ्रीका वालों की हदीस है। मतलब क्या होता है? पहले क्या होता है? इमामों को बांट देते हैं, ये कोकन वालों के इमाम है या अफ्रीका वालों के इमाम है, और फिर क्या होता है? हदीसों को बांट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी हैं। सारे उलमा इकराम ने क्या कोशिश की कि हमें कुरान और सुन्नत से जोड़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने नहीं कहा मेरे मानने वाले बनो, मेरे फॉलोअर बनो। सबने ये किया कि हमें कुरान और सुन्नत से जोड़ने की कोशिश की। सारे उलमा इकराम ने यही सिखाया। तो हमें ये बात को नहीं भूलना है कि कोई भी इमाम हो वो हमारे ही हैं, सारे उलमा इकराम हमारे हैं। जिनके पास कुरान हदीस की बात है हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। और कोई आलिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में तो इंसान है, उनसे कहीं भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो इमाम की बात को हम कुरान और हदीस के ऊपर रख दें, कुरान और हदीस से ऊपर रख दें कि भाई मैं इनका मानने वाला हूं, मैं उनकी बात नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या मालूम है? होगा ये कि हमारी नमाजों का लॉस होगा। नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन अगर सुन्नत हमारे हाथ से छूट जाएगी तो फिर हमारा क्या लॉस होगा? हमारा मामला ये होगा कि हम पढ़ रहे हैं नमाज लेकिन उससे जितना सवाब हासिल करना था वो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक अफसोस की बात हो जाएगी। तो आइए हम इस चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें बहुत जरूरी है कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो कुरान और सही हदीस से साबित होना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हदीस सनदन ज़ईफ है या मौजू है या हदीस मौजूद ही नहीं है, राय है, ओपिनियन है। देखिए, नमाज इबादत है, अब अकल का दखल नहीं है नमाज में। अकल में कुछ भी आ सकता है,
अकल की बुनियाद पे नमाज नहीं। कोई बोले मेरी अकल में आ रहा है, सर पे हाथ बांधना चाहिए, अकल की बुनियाद पे नहीं है, ये वही के तहत है, ये इबादत है। अल्लाह ने बताया कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और हमें इबादत करनी है सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। तो यहाँ पे क्या है मामला कि हम जिस दीन पर है ना मेरे भाई मेरी बहने, ये एक महफूज दीन है, ये एक प्रिजर्व दीन है, इसकी हिफाजत किसी इंसान ने नहीं की, इसकी हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है, और ये दीन प्रूफ वाला दीन है। इसके अंदर हमें ये बात को जानना चाहिए कि ये दीन जो महफूज दीन है, इसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूट देगी। मतलब हमें प्रूफ के साथ मिलेगा, हम करेंगे। अगर सही हदीस मौजूद नहीं है तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, ये देखिए राइट टॉप पे आयत लिखी है, बहुत बहुत बड़ी बात दी गई इस आयत में, सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत में 36 पढ़िए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जिस चीज का इल्म नहीं है, जो कंफर्म नहीं है ना, मत चलो उसके पीछे। तो ये पूरे कोर्स में हम कुरान और सही हदीस की बुनियाद पर बात करेंगे, ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि नुकसान क्या होगा कि जो साबितशुदा चीज हमारे हाथ से छूट जाएगी और जो गैर साबितशुदा चीज है उस पर अमल हो जाएगा, और हमें अल्लाह ने कहा मत चलो उस चीज के पीछे। यही तालीम कुरान और हदीस में बार बार मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिस चीज में शक है उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। तो ये बात हमारे लिए एक कायदा है, हमें ये बात देखना चाहिए। तो हम कुरान में और हदीसों में सही हदीस और जो हसन हदीस है, बाकी ज़ईफ और मौज़ू हदीस उसको पर हम अमल नहीं करें, क्योंकि फाइनली नुकसान किसका है, हमारा है। हम आगे बढ़ेंगे। नमाज का मुकम्मल तरीका सीखने के लिए कुछ किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये शेख अल्बानी रहमतुल्लाह की किताब है, सिफ़तुस्सलातुन्नबी, द प्रॉफिट्स प्रेयर डिस्क्राइब्ड, इंग्लिश उर्दू दोनों में है। आप अगर हमारी वेबसाइट ISEOU पे जाएं, वहां डाउनलोड सेक्शन में भी आपको कोर्स के अंदर डाउनलोड में एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में ये चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसी तरह जो एक और किताब सैयद शफीकुर रहमान की किताब है नमाज नबवी, ये इंग्लिश उर्दू हिंदी तीनों में अवेलेबल है, ISEOU से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए मैं आप सबसे पहला सवाल आज का पूछूं, आपके ऊपर पोल आपके पास आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कि नमाज में क्या सिर्फ एक ही तरीका है या कई तरीके हैं? आपको जो सही लगता है आप वो वोट करें। आपकी स्क्रीन पे वोटिंग के लिए ये चीज आई है, सिर्फ एक बटन दबाना है, और ये सिर्फ आपके लिए है, आपके जानने के लिए है कि आपको सही जवाब पता था या नहीं पता था। तो मैं भाइयों बहनों को इनकरेज करूंगा आज की क्लास में और अगले हफ्ते की क्लास में कई ऐसे वोट्स आने वाले हैं, तो इसमें आगे बढ़े और पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। आप जिस ग्रुप में मौजूद है, ये ग्रुप में रोमन का दो ग्रुप है, 1000 वाला ग्रुप है उसमें रोमन चल रहा है और 300 वाले ग्रुप में इंग्लिश है जी। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड पोलिंग। स्क्रीन पे आपके रिजल्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि 65-67% लोगों ने कहा एक ही तरीका है, और 9% से 11% लोगों ने कहा चार तरीके हैं, और 25% से 24% लोगों ने कहा जो भी है वो कबूल है, कुछ चीजें एक से ज्यादा भी साबित है। और आपको पता है ये सब में सही जवाब क्या है, सही जवाब क्या है, आइए मैं आपके सामने यहां रखूं। सही जवाब एक्चुअली थर्ड ऑप्शन है, जो 24-25% लोगों ने बताया सही जवाब वो है। मतलब कई चीजें हैं जो आपको एक से ज्यादा तरीके मिलेंगे साबित शुदा। तो ये कहना सिर्फ एक ही तरीका ऐसा नहीं है, कई चीजें हैं जो एक से ज्यादा साबित है, और हमें वो चीज जो साबित शुदा है वो कबूल करना है, जो भी साबित है कबूल करना है। मिसाल के तौर पे वितर की नमाज, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीकों से पढ़े, हमें एक रकात पढ़ना भी मिलता है, 3 रकात की भी हदीस है, 5 रकात की भी हदीस है, कई लोगों को नहीं पता है हकीकत में ये, और हकीकत में उससे ज्यादा की भी है, लेकिन जो भी तरीके हैं सब साबित शुदा, जो भी है वो कबूल है, वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अब हो सकता है कोई शख्स जिंदगी में कभी अमल करे किसी सुन्नत पे, कभी ना करे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो कबूल है। जो साबितशुदा तरीके हैं सब जानना, वो हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आगे बढ़ते हैं, 6 टिप्स मैं आपको देना चाह रहा था। फर्स्ट टिप क्या था, नमाज में खुशू। सेकेंड चीज क्या था, तरीका। कुछ लोग कहते हैं खुशू होना चाहिए, तरीके पर ध्यान नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं तरीका सही होना चाहिए, खुशू पर ध्यान नहीं होता है, लेकिन खुशू भी होना चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए। एक बात भी अगर आप सीख गए आज, एक बात, मैं आपके साथ जो पावर पॉइंट पूरा पढ़ाने वाला हूं इसमें 293 स्लाइड्स हैं, मैं अभी 30 नंबर पे पहुंचा हूं। अगर आप एक बात सीख गए वन, तो हर रकात में अगर वो अमल करेंगे, एवरी रकात हर नमाज में अमल करेंगे इंशाल्लाह, तो आप खुद सोचिए
कि कयामत के दिन अगर जब खड़े होंगे कितना बड़ा फर्क आ जाएगा तराजू में, सिर्फ एक चीज सीखने से कितना फर्क आ सकता है, ओनली वन थिंग। तो आपके सामने बातें आ रही है मेरे भाई मेरी बहनें, हमारी नीयत यही है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका स्टडी करें, हमारी नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, ताकि हमारे अमाल बेहतर हो जाए, ताकि हमारे अंदर वो चेंज आ जाए, हमें वो रोशनी मिले जो नमाज नूर है, रोशनी है, हमें अल्लाह की मदद मिले, हमारे हम बेहयाई बुरे कामों से बच सके, वो सारी चीजों में जिंदगी में रिफॉर्म आ सके, हम कयामत के दिन जब अमाल तौले जाए सबसे पहला अमल जो चेक होगा नमाज, तो नमाज में हम पास हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों टिप जरूरी थे, खुशू भी होना चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए। तरीके में कुछ चीज मिल रही है, ये मत कहो, लोग क्या बोलते हैं ना बार बार, बोले कि इसके बगैर नमाज होगी कि नहीं होगी, इसके बगैर भी होगी कि नहीं होगी, हाँ हो जाएगी, इसके बगैर हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, लेकिन आप देखो सवाब तो रिड्यूस हो रहा है ना, आप हो सकता है 1/10 थे, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5 बढ़ने वाला था आपका शेयर, लेकिन शेयर कम होने में चीज यह है कि जितनी सुन्नतें छोड़ेंगे उतना सवाब कम होगा, जितनी सुन्नतों पर अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा होगा। फायदा किसका है, आपका मेरा, मतलब कयामत के दिन हम खड़े होंगे ना, तो कोई अपनी नेकियां नहीं देने वाला है, ये नेकी हमारे काम आएगी। सवाब मैक्सिमाइज करने के 6 टिप्स में फर्स्ट क्या था, खुशू, सेकंड क्या था, नमाज का तरीका, थर्ड आपके सामने वो है रफ्तार, स्पीड। अगर नमाज तेज पढ़ने की आपकी आदत है मेरे भाई मेरी बहने, तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था उस शख्स को जिन्होंने तेजी से नमाज पढ़ी, और ये भी अल्लाह की तरफ से ताकि हम तक वो तालीम आ जाए। हम क्या देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजी फसल्ली, वापस जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुमने सही तरह से नहीं पढ़ी, ये नहीं कहा, फिर से पढ़ो, अच्छे से नहीं पढ़े, ये नहीं कहा, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। इससे बात को समझ जाना चाहिए हमें, फास्ट सला इज इक्वल टू नो सला, तेजी से नमाज पढ़ना इज इक्वल टू नहीं पढ़ना। तो यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि हम तेजी से ना पढ़े, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें नमाज का तरीका सिखाया तो क्या कहा, सुमरका कि रुकू करो, हत्ता तत्मईन्ना राकियन, यहां तक कि रुकू में इत्मीनान आ जाए, मतलब मेरे भाई मेरी बहने रुकू करें इत्मीनान आ जाए, सुमरफा रासक, और फिर अपने सर को उठाओ, हत्ता तादिला कायमन, यहां तक कि पूरी तरह से सीधे खड़े हो जाओ, सुमसजुद, और फिर सजदा करो, हत्ता तत्मईन्ना साजिदन, यहां तक कि सजदे में सुकून इत्मीनान हासिल हो जाए, सुमरफा हत्ता तस्तवियत व तत्मईन्ना जालिसन, फिर जब सर उठाओ बैठो तो यहां तक कि पूरी तरह से इत्मीनान आ जाए और सही तरह से सीधे बैठ जाओ, तस्तविया सीधे बैठ जाओ, जालिसन बैठकर, सुमसजुद फिर सजदा करो, हत्ता तत्मईन्ना साजिदन फिर सजदा करो, यहां तक कि इत्मीनान आ जाए, सुमरफा हत्ता तस्तविया कायमन, फिर जब खड़े हो जाओ तो इस तरह से कि पूरी तरह से सीधे खड़े हो जाओ, सुमफलिका फी सलाती कुल्लुहा कुल्लिहा, के इस तरह से सारी अपनी नमाजों में करो, मतलब इत्मीनान से नमाज पढ़ना चाहिए, इत्मीनान से पढ़ने से आपका सवाब इंक्रीज होगा, सेम नमाज पढ़ रहे हो ना, इत्मीनान से पढ़ने से ज्यादा सवाब, और तेजी से पढ़ 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 के तेजी तेजी तेजी, तो फिर फाइनल रिजल्ट ये है, तेजी से पढ़ना इज इक्वल टू नई नमाज हुई। ओके, याद रहेगी बात, इंशाल्लाह 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, मीनिंग पर तवज्जो देना, इसी वजह से हम आज की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मीनिंग के बारे में आपको मीनिंग माने भी बताने वाले दुआओं की, इंशाल्लाह ये नोट्स आपको मिलने वाली है, वो दुआओं की मीनिंग याद करिए, मीनिंग पे तवज्जो देना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करो, सुनिए अल्फाज हदीस के और गौर करिए इस बात पर, तिर्मिदी में हदीस हसन सनद से, उदुल्लाह अल्लाह से दुआ करो, वा अंतुम मुकिनूना बिल इजाबती, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल करेगा, वालमो और जान लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान लो इस बात को, जान लो मेरे भाई मेरी बहने, जान लो अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता, गाफिल दिल की पुकार अल्लाह ताला नहीं सुनता, तो वालमो जान लो, हा? कि गाफिल दिल की पुकार, अब सुनो मेरे भाई मेरी बहने, सुनो मेरे भाई, बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये, एक पॉइंट भी अगर आप आज यहां से लेके गए तो बहुत बड़ी चीज ले आएंगे, मतलब हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, जुबान ने तो हिदायत मांगी, दिल ने हिदायत मांगा, दिल मांग रहा है हिदायत, अब ये हदीस की रोशनी में इस बात को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जान लो अल्लाह ऐसे दिल की दुआ नहीं सुनता जो गाफिल है, दिल गाफिल है कि नहीं है, दिल गाफिल है तो ऐसी दुआ अल्लाह सुनता है, जहां जुबान कह रही है अल्लाह सीधा रास्ता बता के हिदायत दे दे, अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, दिल नहीं मांग रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा दिल कैसे उसमें आएगा अगर हमें माने ही नहीं मालूम है, हमें मीनिंग ही नहीं मालूम है, तो फिर हमें हमारा दिल कैसे उसमें आएगा, तो मैं आप सबको उभारता हूं कि मीनिंग जानने की कोशिश करें, आज के इसके बाद एक होमवर्क कबूल करें,
कि पूरी नमाज में जो जो पढ़ते हैं सबकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। एक बार याद करना पड़ेगा ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा क्या मीनिंग है, एक बार याद कर लो। जब अगली बार कहेंगे नमाज में इंशाल्लाह, तो फिर क्या होगा आपके लिए, ये एक बात होगी कि इसका माना क्या है, मतलब क्या है, मैं क्या कह क्या रहा हूँ, अल्लाह ताला से मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता तो चलेगा इंशाल्लाह। तो ध्यान लगने में भी जरिया है कि हम मीनिंग जाने इंशाल्लाह। ये हो गया चार नंबर पॉइंट। पांच नंबर पॉइंट वो ये है वक्त। सेम नमाज, सेम उतने ही खुशू के साथ आप जो नमाज पढ़ रहे हैं अव्वल वक्त पे पढ़ेंगे ना, ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल आमाली अफ़दल, कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु फी अव्वली वक्तिहा, नमाज अपने अव्वल वक्त में पढ़ना, मतलब अव्वल वक्त में सेम नमाज उतने ही खुशू के साथ पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, सवाब ज्यादा मिलेगा। अब इसमें आप अगर डिटेल देखेंगे तो फजर, जुहर, असर और मगरिब, ये चार नमाजों के अंदर अव्वल वक्त शुरुआत का वक्त है, और ईशा की नमाज के ताल्लुक से डिटेल मिलती है, जैसे इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है, नॉर्मल कायदे में एक्सेप्शन है। जैसे एक होता है ना नॉर्मल कायदा, जैसे मिसाल दे रहा हूं, मुर्दार का गोश्त हराम है, मरे हुए जानवर का गोश्त हराम है ना, मरा हुआ बकरा मिले हम नहीं खाते ना, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मच्छी, मच्छी मरी हुई मिले तो हलाल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हलाल है, इसलिए पता चला। तो नॉर्मल कायदा यह है कि अव्वल वक्त शुरू का वक्त है, लेकिन ईशा की नमाज में ताखिर कर सकते हैं, बल्कि ताखिर करना बेहतर है, जैसे जैसे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पता चलता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में ताखिर भी करते हैं, जैसे कि हमें मिलता है, और कहा कि वो वक्त जब लोग सोते हैं वो बेहतर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि ऐसा भी ना हो कि कोई बात का वक्त लेने के चक्कर में नमाज ही छोड़ दे, लेकिन जस्ट जानने के लिए। हाँ, नमाज जमात से पढ़ना ये भी पॉइंट है जो आगे आने वाला है। आगे छठा पॉइंट, छठा तरीका, सेम नमाज का आप ज्यादा सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं, जमात से पढ़कर। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल जमाती तफ़दुलु सलातुल फ़ज़्ज़ी बिसब्इन व इश्रीन दर्जा, जमात से नमाज का दर्जा अकेले पढ़ी हुई नमाज से 27 गुना ज्यादा है, 27 गुना ज्यादा, 27 दर्जे फजीलत ज्यादा है, 27 टाइम्स, वाओ, 27 टाइम्स। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मिसाल देता हूं, आपको पता है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक फ्री में मिलेगा, कुर्ता खरीदो वन कुर्ता खरीदो एक और फ्री में मिलेगा। मैंने कहीं देखा शावरमा का ऑफर है, एक शावरमा खरीदो एक और शावरमा फ्री में मिलेगा। सोचो अगर कहीं पे ऐसा ऑफर हो कि बाय वन गेट 26 फ्री, एक खरीदो 26 फ्री में मिलेंगे, तो आपके घर के नीचे कोई दुकान है जहां बाय वन गेट वन है, खरीदो एक मिलेगा एक ही, और कहीं थोड़ा सा दूर जाओ तो दुकान एक है, एक दुकान है जहां बाय वन गेट 26 फ्री, तो क्या करेंगे आप कि मोबाइल है एक खरीदो 26 फ्री में मिलेंगे, तो क्या आप सोचेंगे, आप सोचेंगे चलो वहां थोड़ा चल के चले आता हूँ, 26 फ्री में मिलेंगे, मैं बांट सकता हूँ पूरे घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको दे सकता हूँ। तो मेरे भाई मेरी बहने, यहाँ पे मस्जिद में जाकर 26 टाइम्स मोर सवाब मिलता है, 27 गुना सवाब मिलता है। हाँ, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज है। तो 6 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट क्या था, खुशू चाहिए। हाँ, चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए वो मिलेगा आपको, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं मिलने वाला है। नंबर दो, तरीका नमाज का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। कोई एक चीज भी अगर हम सीख सकते हैं तो सीखना चाहते हैं, हमें सीखना है इंशाल्लाह। तीसरी चीज क्या है, वो है नमाज के अंदर हम कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं अपनी नमाज। स्पीड, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो नमाज इज इक्वल टू फास्ट सला इज इक्वल टू नो नमाज। हाँ, थर्ड, फोर्थ चीज क्या है, वो नमाज के अंदर, नमाज के ताल्लुक से ये देखें कि मीनिंग समझना। हाँ, मीनिंग समझना। और फिफ्थ चीज क्या है, अव्वल वक्त पे पढ़ना। और सिक्स्थ क्या है, जमात से पढ़ना। ये 6 टिप्स है। क्या चीज के टिप्स थे, सवाब ज्यादा पाने की टिप्स है।